हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपको कप स्लीव्स बनाना बताऊंगी ये स्लीव्स आजकल बहुत ही ट्रेंड में है तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है आगे से इसकी चौड़ाई हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी होती है यानी डबल ही रखनी होती है जितनी हमारी फिटिंग होती है उससे डबल रखते हैं तो यहाँ पे आगे से मैंने इसकी चौड़ाई आठ इंच रखी है और स्लीवस की लंबाई मैंने इक्कीस इंच रखी है अब इसके बाद नीचे की साइड इसमें लगेंगे कफ्स जो कप्स वाली डिजाइन बनेगी उसके लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है तो इस फैब्रिक को हमें इस तरह से नाप कर लेना है तो कलाई की आपकी जितनी भी फिटिंग हो उससे आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है तो इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हो इसकी चौड़ाई मैंने ली है पांच इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है साढ़े सात इंच जिसमें से आधा इंच सिलाई में चला जाएगा दोनों तरफ वन फोर्थ वन फोर्थ इंच उसके बाद ये बिल्कुल सात इंच की रेडी कप्स तैयार हो जाएंगे बिल्कुल फिटिंग वाली अब ये दोनों पीस है कप्स वाला फैब्रिक है इसके नीचे की तरफ हमें फ्यूजिंग पेपर लगाना है जिससे कि इसकी फिनिशिंग काफी अच्छी आती है तो दोनों के ऊपर मैंने फ्यूजिंग पेपर लगा लिया है और बीच में से इसकी प्रेस लगा ली है फोल्ड करके अब इसके बाद एक साइड से हमें वन फोर्थ इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देनी है मोटी करके सिलाई लगानी है कि जिससे कि इसको हम बाद में खोल भी सके तो इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा देनी है कपड़ा फोल्ड करते हुए एक तरफ ही लगानी है दूसरे पीस के भी इसी तरह से लगाकर तैयार कर लेते हैं तो दोनों कप्स इस तरह से तैयार कर लिए हैं अब यहाँ पे मैंने कपड़े से बिल्कुल बारीक डोरी बनाई है बिल्कुल पतली सी और ये इसकी लंबाई ली है मैंने सवा दो इंच के पीस कट की है मैंने छः पीस कट की हैं तीन तीन दोनों कप्स के ऊपर इस तरह से लूप्स बनाने हैं तो इस तरह से फोल्ड करके सीधी साइड से इसको हम लगा देंगे लूप्स बनाते वक्त बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इनको बटन की साइज के अकॉर्डिंग बनाएं कि इसमें से बटन बिल्कुल आसानी से आ जाए ना ही छोटा रहे ना ही ये बड़ा रहे अगर बड़ा रहेगा तो बटन आसानी से खुल जाएंगे और अगर टाइट रहेगा तो फिर बटन में आ ही नहीं पाएगा तो लूप्स बनाने का कोई मतलब ही नहीं है और इनको लगाते वक्त इनके बीच की दूर दूरी है वो बिल्कुल समान रखनी है तो यहाँ पर मैंने ये तीनों लूप्स इस पर फिक्स कर दिए हैं और दूसरे जो कप है उसके ऊपर भी इस तरह से तीन लूप्स लगा कर तैयार कर लेंगे अब इसके बाद इसको हमें उल्टी साइड से इस तरह से फोल्ड करना है और दोनों साइड से वन फोर्थ इंच कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगानी है इसके दूसरी साइड भी इस तरह से वन फोर्थ इंच कपड़ा दबाना है और सिलाई लगा देनी है इसका बीच का हिस्सा हमने प्रेस लगाकर जो निशान लगाया है वो इसका बीच का हिस्सा रहेगा एक तरफ हमने फोल्ड करके लिया हुआ है एक तरफ सीधा कपड़ा है ये देख सकते हो तो अब इसको हम खोल कर इस तरह से सीधा कर लेते हैं अब बारी आती है स्लीव्स के साथ इसको अटैच करने की तो सबसे पहले स्लीव्स का जो खुला वाला हिस्सा है इसको हमें थोड़ा सा इस तरह से वन फोर्थ इंच फोल्ड करना है और एक बार और वन फोर्थ इंच करते हुए डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देनी है इस तरह से तिरछा तिरछा सिलाई लगाते हुए करीब चार इंच की ये सिलाई लगानी है क्योंकि इसको हम थोड़ा सा खुला रखेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे अब स्लीव्स के आगे की तरफ हमें वन फोर्थ इंच कपड़ा छोड़ते हुए सीधी सिलाई लगानी है और जो धागा मोटा करते हुए सिलाई लगानी है और इसके साथ ही मैंने दूसरी सिलाई भी लगा ली है दो सिलाई लगा ली है मोटा धागा करते हुए और दोनों धागों को हमें इस तरह से खींचना है इसमें बारीक बारीक इस तरह से चुन्नटे डाल देनी है बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से मोटा धागा लगाकर जब हम सिलाई लगाते हैं तो बहुत ही आसानी रहती है इसको खींचने में और अब इसको हमें इस कप्स के साथ फिक्स करना है तो वो तरीका देखना है कि किस तरह से इसको फिनिशिंग के साथ कप्स के अंदर डालना होता है तो ये कपड़ा आगे की तरफ जो एक्स्ट्रा है उस साइड से हमें इसको सिलना है इस तरह से और अब इस स्लीव्स को नाप कर देख लेना है कि ये कप्स के साथ बिल्कुल फिक्स आ रही है अगर बड़ा है तो धागे को खींचकर और थोड़ी चुन्नटें बढ़ा देनी है और अगर छोटा पड़ रहा है तो थोड़ा सा और लूज कर लीजिए तो बहुत ही आसानी से इसमें ये फिक्स कर देना है अब ये एक तरफ की सिलाई हो गई अब इसके बाद इसको अंदर की तरफ इस तरह से करते हुए जो हमने ये सिलाई लगाया हुआ फैब्रिक है इसीलिए मैंने पहले से सिलाई लगाई थी जिससे कि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है अब इस कपड़े को पूरे को अंदर डालना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी स्लीव्स पे भी सिलाई लगा लेंगे और अब इसकी साइड में हम फिटिंग वाली सिलाई इतना खुला रखना है तीन इंच करीब इसको खुला रखना है और अब इस स्लीवस की साइड वाली सिलाई भी लगा लेंगे अब दूसरी स्लीव को भी बनाकर इसी तरह से तैयार कर लेंगे दूसरी स्लीवस बनाते वक्त मुझे ध्यान में आया कि जो गले पर मैंने इस सूट पे डिज़ाइन लगाई थी उसका फ्रिल मेरे पास ये बचा हुआ था तो उसको मैंने इस तरह से आगे की तरफ अटैच कर दिया है तो ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये फ्रिल वाला जो मैंने गले की डिज़ाइन शेयर की है आप ज़रूर से जाके चेक कीजिएगा बहुत ही खूबसूरत नेकलाइन का डिज़ाइन मैंने शेयर किया है इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो इस तरह से मैंने फ्रिल आगे की तरफ अटैच कर दी है तो ये दूसरी कप स्लीव्स भी बनकर तैयार हो गई है और दूसरी ये कप्स के एक साइड हमने लूप्स बनाए हैं दूसरी साइड में हमें बटन लगा देने हैं तो मैंने तीन बटन लगा दिए हैं और ये कप स्लीव्स बनकर तैयार है